वेरी गुड इवनिंग, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका जीए गुरु। आज का डेली डोज करंट अफेयर लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं आपके सभी करंट अफेयर, जो भी डेली करंट अफेयर हैं, उसे डिस्कस करूँगा आपके साथ में। अगर हम आज की अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो बहुत सारी ऐसी करंट अफेयर डिटेल्स हैं, या कहें तो बहुत सारी ऐसी करंट अफेयर हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिसको आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हाल ही में आरआरबी स्केल वन का एग्ज़ाम हुआ है प्री का, तो मेंस के लिए अभी से स्टार्ट हो जाइए, लग जाइए, और 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए। अगर आपने 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, तो कोई भी बैंक का एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और अगर हम एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें, तो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का करंट अफेयर आपके लिए सफिशियंट होगा। अगर हम बैंकिंग की बात करें, तो 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर सफिशियंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर डेली डोज अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। और सबसे पहले अगर हम बात करें आज के करंट अफेयर की, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कोटेशन से, विन एंड लूज डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू एग्री यू लूज, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड देन यू विन। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है, मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो समझो जीत गए। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, और ये बताती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन के लिए अगर आपने एक बार ठान ली कि भैया हमें सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन मिलना ही मिलना है, क्लियर है। तो भाई मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, और जितना एफर्ट आप लगा सकते हो पूरा एफर्ट लगाइए, जिससे कि सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर आज का। और आज के करंट अफेयर की सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हम हिंदी दिवस अगर आज बात करें, तो आज 14 सितंबर है, आज जिसे हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगर हम फर्स्टली अगर बात करें अगर हम फर्स्टली बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, और इसकी शुरुआत की गई थी 1953 में। सबसे पहले हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया था 1953 में। अगर हम रेलवे या एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बैंकिंग में तो आर्टिकल्स पॉलिटी टॉपिक नहीं है, बट एसएससी और रेलवे में पॉलिटी के टॉपिक्स के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 343 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में इसे जगह दी गई है। एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। अगर ये पूछा जाए कि पहली बार कब मनाया गया, तो 1953 को फर्स्ट टाइम हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया था। तो एक बार फिर से सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज की करंट अफेयर की, तो सबसे पहला करंट अफेयर आज का है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह पासिस अवे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन। अब एक ऑब्जरी से रिलेटेड न्यूज है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि करंट अफेयर में चाहे वो ऑब्जरी से रिलेटेड हो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, सभी से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके साथ एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन पूछी जाती है कहाँ से, तो वैशाली बिहार से ये। और दूसरी बात, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि हाल ही में एक पॉलिटिशियन का निधन हुआ है, या एक नाम हो सकता है ना एग्जाम में नाम दे दिया जाए कि रघुवंश प्रसाद सिंह की अभी हाल ही में डेथ हुई है, या क्या थे, ठीक है। तो वहां पर क्या आपको याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर थे, और हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन पूछी जाए कहाँ से, तो याद रखना है वैशाली बिहार से। तो एग्जाम के लिए बहुत ही वन लाइनर में आपको याद रखना है, नाम इनका याद रखना है रघुवंश प्रसाद सिंह, और कहाँ से, वैशाली बिहार से। ये क्या थे, एक पॉलिटिशियन थे। चलिए अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, जो एक स्पोर्ट्स से न्यूज है, एक बार मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूं। जापान्स नाओमी ओसाका डिफीटेड विक्टोरिया की एक व्यक्ति है जिनका नाम है अज़रेंका ऑफ बेलारूस टू क्लिंच द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट।
जापान की नाओमी ओशाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका, नाम याद रखना है, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं ऐसे नाम, तो विक्टोरिया अजारेंका को हराकर वीमेन सिंगल का खिताब जीता। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज याद रखनी है कि किसने और किसको हराया, तो याद रखना है जापान की नाओमी ओशाका ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया है। नाम दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो याद रखनी है किसको हराया है, विक्टोरिया अजारेंका को। किसने हराया है, नाओमी ओशाका ने हराया है। कहां से बिलोंग करती है ये, जापान से। क्लियर यहां तक है? चलिए इसके बाद में आपको एक और बात है, अगर हम बात करें जो टेनिस टूर्नामेंट होता है, वो टेनिस टूर्नामेंट चार टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें हम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन के नाम से जानते हैं। तो मैं अभी आपको सारी डिटेल दूंगा इन चारों टूर्नामेंट से रिलेटेड। अभी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में यूएस ओपन हुआ है, यूएस ओपन में सिंगल में अगर बात करें, वुमेन्स का टाइटल की बात करें, तो जापान की नाओमी ओशाका ने किसको हराया है, बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस टूर्नामेंट में, यूएस ओपन में टेनिस टूर्नामेंट होता है जिसमें नाओमी ओशाका जो जापान से हैं उन्होंने किसको हराया है, विक्टोरिया अजारेंका को हराया है। चलिए आगे की न्यूज की बात करें, नेक्स्ट न्यूज, ऑस्ट्रेलिया डोमिनिक थीम डिफीटेड एलेक्जेंडर जेवरेव टू विन द मेन्स सिंगल टाइटल एट द 2020 यूएस ओपन टूर्नामेंट। अब अगर हम बात करें यहां पर फीमेल की बात करें, यहां पर मेल की बात करें, तो यहां पर एक ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में एलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर मेन सिंगल का खिताब जीता है। जब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में एलेक्जेंडर जेवरेव को हराया कर, मतलब यहां पर विनर कौन रहा है, विनर है डोमिनिक थियम, हराया किसको है, एलेक्जेंडर जेवरेव को, और ओपन कौन सा है, यूएस ओपन। अगर हम यूएस ओपन अगर फीमेल की बात करते हैं तो यहां पर नाओमी ओशाका ने जीता है, और अगर हम बात करें मेल की तो ऑस्ट्रिया, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग देश है, तो अक्सर बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो तैयार रखना है आपके आंसर, ऑस्ट्रेलिया के नाम क्या है, डोमिनिक थियम, हराया किसको है, एलेक्जेंडर जेवरेव को। और अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में नाओमी ओशाका ने किसको हराया है, बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया है। क्लियर यहां तक है? चलिए एक बार मैं आपको सारी चीजें एक बार में फिर से एक मैं आपको स्लाइड में डिटेल कर देता हूं, कितने टाइप के टूर्नामेंट होते हैं और कौन कौन से टूर्नामेंट हो चुके हैं और किसने किसने क्या क्या जीत रखा है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया टेनिस टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहते हैं, चार प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अब यहां पर दो बातें याद रखनी है, फ्रेंच ओपन नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से, और विंबलडन ओपन भी कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। तो जितने भी कंपटीटर्स हैं उन सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि उनको दो चीजें अलग से नहीं पढ़नी पड़ेंगी। अभी आपको दो चीजें याद रखनी है, एक है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा अभी जो हाल ही में हुआ है यूएस ओपन। अब यहां पर सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है, चार टूर्नामेंट होते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं इन टूर्नामेंट को सही ऑर्डर में व्यवस्थित करें, तो आपको सारे टूर्नामेंट का नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। अगर बात करें तो उसे ट्रिक से याद रखना है, ट्रिक इसकी है, मैं इसको ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, ट्रिक है इसकी AFWU, ए फॉर ऑस्ट्रेलियन, एफ फॉर फ्रेंच, डब्ल्यू फॉर विंबलडन और यू फॉर यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो एग्जाम के लिए अगर पहला क्वेश्चन बन सकता है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस का टूर्नामेंट, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करें। क्लियर है? या एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन के बाद कौन सा टूर्नामेंट होता है या विंबलडन के बाद कौन सा टूर्नामेंट होता है, तो आपको याद रखना है ट्रिक, AFWU, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। अब बात करते हैं यहां पर जो ये टूर्नामेंट्स हैं,
ये अलग अलग कोर्ट पर खेला जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास ग्रास कोर्ट पर, और अगर यूएस ओपन की बात करें तो ये भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। एक बार फिर से बता दे, रिपीट कर दे रहा हूँ मैं फिर से, चारों टूर्नामेंट के नाम ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट एक सीमेंटेड या कह सकते हैं कि हार्ड सरफेस होता है, क्ले कोर्ट मिट्टी का कोर्ट, ग्रास कोर्ट सबसे पुराना अगर बात करें तो सबसे पुराना विंबलडन ओपन है, और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो सर्बिया से हैं। और वुमेन्स सिंगल की बात करते हैं तो इसे जीता था सोफिया कैनिन ने, जो अमेरिका से बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक और बात है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर अभी तो जो एग्जाम होने हैं उसमें 6 मंथ का करंट अफेयर, आपने अभी कहा कि 6 मंथ का करंट अफेयर एग्जाम में आएगा, तो 6 मंथ के करंट अफेयर के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन ओपन तो एग्जाम में पूछा नहीं जाना चाहिए। बट ऐसे करंट अफेयर जो एक साल में केवल एक ही बार होते हैं, उन्हें आपको बिल्कुल तैयार रखना है, क्योंकि वो करंट अफेयर एक स्टैटिक का पार्ट हो जाता है। अब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट साल भर में तो एक ही बार होता है, तो आपको चारों टूर्नामेंट याद रखने हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल, अगर अगर हम मेन की बात करें तो नोवाक जोकोविक ने, और अगर हम फीमेल की बात करें तो सोफिया कैनिन ने जीता था। फ्रेंच ओपन हुआ नहीं, विंबलडन ओपन हुआ नहीं, तो याद रखना है। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन को मेन सिंगल किसने जीता है, डोमिनिक थीम ने, और अगर हम बात करें वुमेन की बात करें तो नॉमी ओशाका ने। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यूज है, ब्रिटिश एक्ट्रेस हु वॉज पॉपुलरली नोन फॉर हर रिसेंट रोल एज ओलिना टेरल इन द गेम ऑफ थ्रोन सीरीज डामा डायना रिग पास्ड अवे। अब यहां पर एक नाम इंपॉर्टेंट है, डैम डायना रिग। नाम थोड़े से टफ होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार दो बार अगर आप इस चीज को रिपीट करके वीडियोस को देख लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में निभाई ओलेना टायरेल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिग का निधन। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहां से, ब्रिटिश से। नाम इंपॉर्टेंट है इनका, डेम डायना रिग। अब एग्जाम में क्या पूछा सकता है कि हाल ही में डेम डायना रिग की अभी हाल ही में निधन हुआ और ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो क्या थी, ये एक एक्ट्रेस थी, कहां से, ब्रिटिश से, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनका नाम, क्या है इनका, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डेम डायना रिग। क्लियर यहां तक है? देखिए मैं आपको एक बात समझिएगा, जितनी भी ऑब्चुरी से रिलेटेड न्यूज़ेस होती हैं उसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक नाम इंपॉर्टेंट होती है और वो किस फील्ड से थे वो इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर याद रखना है, नाम इनका है डेम डायना रिग, और ये किससे भी अगर बात करें तो ये कहां से, ब्रिटिश से, और ये किस फील्ड से थी, तो ये एक्ट्रेस थी एक। चलिए बात है, एक और एक्टर जिनका नाम है आयुष्मान खुराना, उनसे रिलेटेड एक न्यूज है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, हैज अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना एज इट्स सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रेंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। अगर अब यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम है आयुष्मान खुराना, ये एक एक्टर हैं, इनकी बहुत सारी हिट मूवीज हैं, जिसमें अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो बाला मूवीज, अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, आयुष्मान खुराना जिनको यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो क्या क्या न्यूज एग्जाम में आ सकती हैं, आयुष्मान खुराना, पहले तो नाम इंपॉर्टेंट है, किस कैंपेनिंग के लिए, फॉर एवरी चाइल्ड के लिए, और किसने बनाया है, यूनिसेफ ने बनाया है। क्लियर यहां तक है? एक बार चीजों को याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसने बनाया है, यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, यूनिसेफ कहा जाता है जिसको। और अगर हम बात करें
किस कैंपेनिंग के लिए? तो फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेनिंग के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अब आप बात करते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन पार्टिसिपेटेड द 27th आसियान रीजनल फोरम। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर 27th आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? वी मुरलीधरन। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है आसियान मीटिंग को, और आसियान मीटिंग किस नंबर की थी? 27th। तो एग्जाम में यहां पर तीन चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। पहला, किसके लिए? आसियान के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? किस नंबर की? 27th नंबर की। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नाम इनका क्या है? इनका वी मुरलीधरन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इसे आपको बिल्कुल तैयार रखनी है। चलिए अब बात करते हैं आज की एक सबसे बड़ी, अगर हम बात करें आज की सबसे बड़ी न्यूज है, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन हैज वन द फार्मूला वन टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 हेल्ड एट मुगेला सर्किट इटली। अच्छा, अब यहां पर बात करें जो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, लुइस हैमिल्टन फार्मूला वन रेसिंग मर्सिडीज के, और इन्होंने ये टस्कन ग्रांड प्रिक्स जीता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सा? टस्कन ग्रांड प्रिक्स। बात करें कहां? इटली में। और ये कौन सी गाड़ी? मर्सिडीज। और नाम क्या है इनका? लुइस हैमिल्टन। अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन की, तो लुइस हैमिल्टन 2019 के विनर भी रहे हैं और 2020 में बहुत सारे टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, चाहे तो आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें लिस्ट जितने भी विनर्स, बात करें ग्रांड प्रिक्स 2020 की लिस्ट है, जिसमें आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको सारी चीजें एक बार में ही मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद स्टेरियन, फिर हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स हुआ था, फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, फिर 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन और टस्कन। अब अगर एग्जाम्पल के, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर एग्जाम में अगर एक साथ इतने सारे अगर आपको ग्रैंड प्रिक्स याद रखने पड़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर इतने सारे ग्रैंड प्रिक्स याद कैसे किए जाएं? तो इतने सारे ग्रैंड प्रिक्स आपको याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम होती होगी, किसी को भी होगी। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा जिससे आप आसानी से चीजों को याद कर सके। जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कितने होते हैं? 4। AFW ट्रिक याद रखना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। फिर इस तरह से मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे, और US ओपन बात करें हार्ड कोर्ट पे। इसी तरह से ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट भी आसानी से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था किसने? वोल्टारी वोटास ने। स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो लुइस हैमिल्टन ने जीता था। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये भी लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये भी लुइस हैमिल्टन ने। 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता था मैक्स वर्स्टैपेन, जो जिनकी गाड़ी रेडबुल है, और वोल्टारी वोटास मर्सिडीज चलाते हैं। फिर बात करें स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो इनकी कंपनी का नाम कह सकते हैं, तो वोल्टारी वोटास की मर्सिडीज, लुइस हैमिल्टन की मर्सिडीज, और अगर हम मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें तो रेडबुल। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो पेरे गैसले, और अगर टस्कन की बात करें तो लुइस हैमिल्टन। अब इतने सारे टूर्नामेंट को याद रखना आसान टास्क नहीं है, और अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। तो इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से चीजों को देखते रहिएगा। सिंपल सी बात है, तीन टूर्नामेंट को ले लीजिए, एक है आपका ऑस्ट्रेलियन, दूसरा है यहां पर 7th एनिवर्सरी, और तीसरा है इटालियन। आपको बस ये तीन याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? ए, और यहां पर 7th एनिवर्सरी की बात करें 17th एनिवर्सरी, और तीसरा है आपका इटालियन। इन तीन टूर्नामेंट को छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलियन किसने जीता था? वोल्टारी वोटास ने, 17th मैक्स वर्स्टैपेन ने, और इटालियन की बात करें तो पियरे गैसले। इसके अलावा जितना भी टूर्नामेंट है सभी किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। अगर एग्जाम में पूछा जाए हंगेरियन किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। स्टेरियन किसने जीता? लुइस हैमिल्टन।
ब्रिटिश किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। बेल्जियन लुइस हैमिल्टन। टस्कन लुइस हैमिल्टन। बात समझ में आ रही है? देखो याद, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, और एग्जाम में जानबूझकर गलतियां नहीं करते हम, गलतियां हो जाती हैं। कारण, क्योंकि करंट अफेयर में डेटा बहुत सारा होता है, तो इसको याद रखने की आपको ट्रिक बना के रखनी है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने अभी आपको न्यूज कौन सी बताई थी, ये इसका एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कितने होते हैं? चार। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे। और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। क्लियर है? ऑस्ट्रेलियन में किसने जीता था? मेल की बात करें तो मेल नोवाक जोकोविक, फीमेल सोफिया कैनिन। यूएस ओपन की बात करें तो मेल की बात करें डोमिनिक थीम, और अगर हम फीमेल की बात करें तो नाओमी ओसाका जापान से। क्लियर यहां तक है? और दो टूर्नामेंट तो हुए नहीं थे, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रैंड पिक्स टूर्नामेंट की, तो ग्रैंड पिक्स टूर्नामेंट में आपको तीन टूर्नामेंट याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स किसने जीता था? वोल्डारी वोटास ने। अगर हम बात करें 17th एनिवर्सरी की बात करें तो मैक्स वर्स्टापेन ने, और अगर हम इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो पियरे केस्टे ने जीती थी। क्लियर यहां तक है? तो मतलब अगर हम तीन टूर्नामेंट का नाम याद रखते हैं कि तीन टूर्नामेंट किसने जीते, तीनों टूर्नामेंट जीते हैं अलग अलग व्यक्तियों ने, और इसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट हैं सभी किसने जीते हैं? लुइस हैमिल्टन ने। तो अभी तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूजेज रही है आज की, वो थी आपकी ग्रैंड प्रिक्स 2020 और ग्रैंड स्लैम 2020। क्लियर यहां तक है? और आज के अगर हम डे की बात करें तो आज का जो डे था वो था हिंदी दिवस, जिसे हम हिंदी डे वर्ड सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में हुई थी, और ये किस आर्टिकल में? 343 आर्टिकल में ये डिफाइन किया गया है। तो सिंपल सी बात है, आपको चीजें याद रखनी है। करंट अफेयर बहुत ही आसान सा टास्क होता है, किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें करंट अफेयर, अगर आपने डेली हैबिट बना ली तो करंट अफेयर से इजी कोई टास्क होता नहीं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है कि सर करंट अफेयर याद रखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल होता है, बट अगर इसके आप रेगुलरली अगर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलरली अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर को आसानी से तैयार किया जाता है। और एक बार अगर करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा तो वो किसी भी एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी एग्जाम देते तो करंट अफेयर आपका सफिशेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, और आसानी से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।